से मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। ट्रेंडिंग टॉपिक जिससे कि हर परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और इस सीरीज में हम लोग पृथ्वी एक परिचय का स्टडी करेंगे और इसमें 50+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो कोई भी आप तैयारी करते हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्न को याद भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और अभी आपको बताएंगे मेन मेन पॉइंट्स, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लगवाएंगे। तो पहला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ये कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। तो याद रखना है, यह भी एक प्रकार का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए विषुवतीय व्यास जो है ये 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, ये हो गया आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, ये ग्लोब ग्लोब हो गया। तो ग्लोब पर क्या है कि जो विषुवतीय व्यास है, विषुवतीय व्यास यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास को ही विषुवतीय व्यास कहा जाता है। तो ये जो व्यास है और ये जो ध्रुवीय व्यास है, ठीक है, तो विषुवतीय व्यास कितना दिया है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, तो ये केंद्र से अगर देखते हैं, ठीक है, केंद्र से अगर देखते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ना, 12,756 का आधा हो जाएगा 6,378 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस होगा 6,378 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा यानी कि 6,357 किलोमीटर होगा, 6,357 किलोमीटर होगा। अब मेन पॉइंट आप ये समझिए सिर्फ कि केंद्र से जो है, ये जो भूमध्य रेखीय व्यास है यानी कि विषुवतीय व्यास है, विषुवतीय ये पॉइंट है जो, ये ज़्यादा दूरी पर है ना, ये 6,378 किलोमीटर है, और जो केंद्र से ये ध्रुव का जो डिस्टेंस है, ये जो त्रिज्या है, ये कम है किसकी अपेक्षा, तो ये विषुवतीय जो व्यास है, विषुवतीय व्यास यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास की अपेक्षा इसका डिस्टेंस जो है ध्रुवीय व्यास कम है। और कितना कम है ना, 42 किलोमीटर देख रहे हैं, कम है, यानी कि त्रिज्या में कितना, 21 किलोमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए फिर से कि ये जो डिस्टेंस है, भूमध्य रेखीय जो बिंदु है, भूमध्य रेखीय व्यास ये ज़्यादा दूर है। ठीक है, केंद्र से ये विषुवतीय व्यास जो ज़्यादा दूर है, और इसके अपेक्षा ध्रुव का जो है डिस्टेंस ये कम है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है कि जी का मान है ना, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपको कि जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो वो होता है ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, अधिकतम ध्रुवों पर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक लाइन आपको याद रखना है कि केंद्र से, ये जो केंद्र है, केंद्र से दूर जाने पर है ना, केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, केंद्र से है ना, केंद्र से, ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से दूरी बढ़ने पर, ये दूरी जब बढ़ेगा, ठीक है, या तो इधर, दूरी जब बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ज़्यादा है, ये भूमध्य रेखीय व्यास का ये ज़्यादा है, यानी कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ज़्यादा कम होगा, घटेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, विषुवतीय व्यास पर भूमध्य जो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। ठीक है, ध्रुव की अपेक्षा, यानी कि अधिकतम पूछे तो ध्रुव पर हो जाएगा है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ हो गया, तो ध्रुव पर हो गया, और न्यूनतम पूछे तो वो कहाँ हो गया, तो भूमध्य रेखा पर हो गया, यानी कि विषुवतीय रेखा पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण आपको प्रश्न याद रखना है कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा होता है ना, विलोमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल, विलोमानुपाती होता है दूरी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, उल्टा होता है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है भूमध्य रेखीय व्यास का, तो यहाँ कम है, और ध्रुव का इसके अपेक्षा कम डिस्टेंस है,
यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम हो। तो दो प्रश्न आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। आप जान गए क्यों होता है ध्रुवों पर, क्योंकि डिस्टेंस केंद्र से कम है। और न्यूनतम कहाँ होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है, यानी कि विषुवतीय रेखा पर ये कम होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, तो ये दोनों तो आपको याद हो गया कि विषुवतीय व्यास जो है 12756 किलोमीटर है, ध्रुवीय व्यास जो है 12714 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास कितना कम है तो इसमें घटाइएगा तो 42 किलोमीटर कम है, ठीक है। नेक्स्ट वाला वही है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, जो ये वाला ध्रुवीय व्यास है, ये विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो कम है कितना, 42 किलोमीटर कम है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है, तो पृथ्वी पर जल का भाग कितना है, 71% है ना, 71% है पृथ्वी पर जल का भाग जो है वो 71% है। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना है आपको, क्या कि जो पृथ्वी पर 71% जल है, और इसमें से कितना प्रतिशत जो है कि महासागर में है, तो 97.5% जो है ये महासागर में है, यानी कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97.5% महासागर में है। एक क्वेश्चन ये अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है, तो स्वच्छ जल कितना उपलब्ध है, तो मात्र 3% जो है स्वच्छ जल उपलब्ध है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि पृथ्वी का लगभग अनुमानित आयु कितना है, तो वो है 4.54 अरब वर्ष, ठीक है, याद रखना है अरब वर्ष, यानी कि पृथ्वी का लगभग अनुमानित आयु जो है 4.54 अरब वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, तो पृथ्वी पर अक्ष का पर घूमना ये क्या कहलाता है, तो घूर्णन कहलाता है ना, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना वो घूर्णन कहलाता है, और घूर्णन जो होता है इसी के कारण दिन रात होता है ना, तो दिन रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, और ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो वो होता है परिक्रमण के कारण। ऋतु परिवर्तन जो होता है, मौसम परिवर्तन होता है, जैसे ठंडा गर्मी बरसात आता है, ये होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, और दिन रात का जो होता है ये होना होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना, 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ याद रखना आपको कि 1 डिग्री यानी कि देखिए 15 डिग्री बराबर कितना, 1 घंटा, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा, तो 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आपसे ऐसे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर 10 डिग्री देशांतर घुमा तो कितना समय लगेगा, ठीक है, तो तुरंत 10 × 40 कर देंगे ना, 4 से गुना कर देंगे, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, यानी 40 मिनट लगता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, यानी कि 1 डिग्री का मान 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे कि 1 डिग्री देशांतर का मान हो गया 4 मिनट, भारत का मानक समय कितना है, तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे वो सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, वो सभी प्रश्न क्या है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना आपको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो भारत का मानक समय वो कितना आगे है, तो कितना घंटा आगे, तो 5.5 घंटा आगे है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रश्न हो गया कि जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाएगा, और भारत का जो मानक समय है वो कितना, पृथ्वी जो अपना ग्रीनविच मीन टाइम से वो वहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का जो मानक समय है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत का मानक समय नहीं गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये पांच राज्य से भारत का मानक समय गुजरती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसे याद ऐसे रख लीजिए, देखिए तीन तो ऐसे याद हो जाएगा, यूपी एमपी सीजी, यूपी एमपी सीजी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सीजी यानी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये तीन हो गया, यूपी एमपी सीजी और उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यानी कि ये पांच राज्य से होकर गुजरती है भारत का मानक समय, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई, कितना झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब 23.5 डिग्री से आपको कुछ याद रखना है पॉइंट्स, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ये 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश को ये कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री इधर दक्षिणी जो है अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है, इधर मकर रेखा हो गया, ये उत्तरी अक्षांश जो है ये कर्क रेखा हो गया, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो मकर रेखा कहलाया, और 0 डिग्री जो थी है अक्षांश है ये भूमध्य रेखा कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक याद रखना है आपको कि कर्क रेखा जो है ये भारत से होकर गुजरती है, बाकी जो मकर रेखा है और ये जो भूमध्य रेखा है ये दोनों भारत से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये भारत से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, क्योंकि देखिए कर्क रेखा जो है ना ये भारत से होकर गुजरती है इसलिए कि जो अपना भारत है वो किस गोलार्ध में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो से ग्लोब है तो ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, भारत जो अपना है ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भारत है अपना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट है ना, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है तो ये भारत से होकर गुजरेगी, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, बाकी ये जो भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा के ऊपर थोड़ा सा ऊपर है अपना भारत, ठीक है, तो इसलिए भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरेगी, ठीक है, तो नहीं गुजरती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपको मालूम है, आप याद भी किए हुए हैं कि मित्र पर गमछाझार, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछाझार कौन कौन सा है, तो ट्रिक है मित्र पर गमछाझार यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर यानी कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान, चार हो गया, गमछाझार यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार यानी कि झारखंड, ठीक है, तो ये 8 राज्यों से अगर गुजरती है, बस एक लाइन याद रखना है, मित्र पर ये 4 राज्य हो गया, गमछा झार यानी 4 राज्य, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मित्र पर यानी मिजोरम त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झार यानी झारखंड, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व वो कौन सा है, तो वो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। देखिए पृथ्वी, इस टाइप के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और ऐसा प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है, ये कभी ऐसा नहीं होगा ये अब नहीं पूछा जाएगा, हमेशा जब भी एग्जाम होगा निश्चित रूप से एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। वो कौन कौन सा प्रश्न आता है, जैसे पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी ऑक्सीजन है, यानी कि पृथ्वी के भूपर्पटी और मानव शरीर ये दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, या तो कौन से तत्व पाए जाते हैं पूछे, तो वो है नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, अब ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा वो हाइड्रोजन है, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे ब्रह्मांड हो या तारा में पूछे या तो सूर्य में पूछे सबसे ज़्यादा, तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक बार फिर से समझिए कि पृथ्वी के भूपर्पटी और मानव में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड, सूर्य, तारा ये सब में सबसे ज़्यादा क्या है, तो हाइड्रोजन है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी गोल है ये कहा था, तो किसने, पाइथागोरस ने कहा था, ठीक है, इससे पहले भी कहा था, एक है वो अरस्तु, ठीक है, अरस्तु सबसे पहले अरस्तु ने ही कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जो कि अरस्तु है ना वो कहा था 350 ईसा पूर्व में, ठीक है, अरस्तु 350 ईसा पूर्व में कहा था कि पृथ्वी गोल है, और ये जो है पाइथागोरस है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहा था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, तो पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत यानी कि द्रव अवस्था में है
वो जो सेल कहलाता है क्या, मैग्मा कहलाता है, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर जब आता है, ये जब ऊपरी सतह पर आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, देखिए, पिघला हुआ तरल पदार्थ जो पृथ्वी के सतह से बाहर निकलता है वो लावा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो लावा हो गया जो ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे वाला ये मैग्मा कहलाता है। तो इसको कन्फ्यूजन ना हो और याद रहे तो ऐसे याद रख लीजिएगा, जैसे कि हम लोग मक्का का जो भूंजा भूनते हैं ना तो लावा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लावा बोलते हैं, तो लावा क्या है, जब भूनते हैं तो ऊपर आता है ना, जब भूंजेगा तो ऊपर उछलता है, तो ऊपर जो आया वो लावा कहलाया, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, याद भी रहेगा। तो जो मक्का भूनते हैं तो उसको क्या है, तो लावा जो होता है वो ऊपर उछलता है ना, ऊपर आता है, यानी कि पिघला हुआ तरल पदार्थ जो पृथ्वी के सतह से बाहर निकलता है यानी ऊपर निकलता है वो लावा कहलाता है, ठीक है, और नीचे जो रहेगा वो मैग्मा कहलाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, ये कब होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होता है वो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में अगर दे दे तो वो अप हेलियन कहा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में कभी कभी दे देता है, ध्यान रखना है, अप हेलियन, अप हेलियन कहलाता है यानी अप सौर, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रश्न है जो कन्फ्यूजन कर सकता है, इसलिए दोनों को साथ में देखेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी पूछे तो वो होता है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को। इसे याद ऐसे रख लीजिए, देखिए न्यूनतम बोलता है तो ये बताइए कि 4 जुलाई और 3 जनवरी में न्यूनतम कौन है, तो 3 जनवरी है, तो न्यूनतम बोलेगा तो आपको नीचे वाला, 3 में भी न्यूनतम है और जनवरी फरवरी में देखिएगा तो पहले जनवरी आता है, ठीक है, उसके बाद में आएगा जुलाई, तो इसलिए न्यूनतम बोलेगा तो आपको 3 नीचे वाला जाना है। देखिए दो ही डेट है, आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए ऐसे रिलेट कर लीजिए कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी है तो 3 जनवरी वाले में जाना है, ठीक है, और अधिकतम दूरी वो 4 जुलाई को हो गया। अधिकतम दूरी को क्या बोलेंगे, अपसौर, और न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, उपसौर, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस से भी आप रिलेट कर दीजिएगा तो इस टाइप से लगता, देखिए 4 जुलाई को जो अधिकतम दूरी है वो अपसौर है ना, अधिकतम अपसौर, और न्यूनतम जो है वो उपसौर है ना, न्यूनतम जो है वो उपसौर, उपसौर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरिहेलियन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया अप हेलियन, वो उपसौर को बोलते हैं पेरिहेलियन, पेरिहेलियन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अधिकतम दूरी पूछे कब होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होता है, तो अधिकतम 4 जुलाई को, न्यूनतम 3 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम, न्यूनतम पूछे दूरी, न्यूनतम दूरी कब हो गया, 3 जनवरी को, और इसे क्या बोलते हैं, उपसौर कहा जाता है, और अधिकतम दूरी हो गया 4 जुलाई को, उसे अपसौर कहते हैं, ठीक है, अपसौर यानी कि अपहेलियन, अपसौर अपहेलियन, उपसौर पेरिहेलियन। नेक्स्ट है कि उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, जो उपसौर है और अपसौर है इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एपसाइड रेखा कहलाता है, ठीक है, याद रखना ये क्या कहलाता है, एपसाइड रेखा कहलाता है। अच्छा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो 1/81 है, ठीक है, यानी कि 81, 1/81 भाग है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है, तो ये याद रखना है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा दिखता है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखता है, तो 59% हिस्सा दिखता है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर पूछ ले कि नहीं दिखता है कितना, तो 100 में से इसको घटाइए कितना आएगा, 41%, तो दिखता है 59% और नहीं दिखता है कितना, 41%, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि रेलवे NTPC में पूछा गया था और बिहार SSC CGL में भी पूछा गया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, ठीक है, तो वो कितना है, 384,400 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है आपको, 384,400 किलोमीटर है, ठीक, याद रखना है, 384,400 किलोमीटर। अगर मान के चलिए ऑप्शन में कभी यहाँ पर दे दे 384, 380, तो ध्यान रखना है इसके आसपास जो है ना वो आंसर आप टिक कर दीजिएगा, बाकी सब दूर दूर रहेगा, तो 384,400 किलोमीटर मोटा मोटी याद रखना है, ठीक है। तो ये है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितना है, तो वो है 14,96,00,000 किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो है 14,96,00,000 किलोमीटर है, ठीक।
और यहाँ से कौन सा प्रश्न आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो आप बचपन में याद किए थे 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, यानी कि लगभग 500 सेकंड लगता है। तो पृथ्वी के प्रकाश को जो पृथ्वी तक है ना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है, याद रखना है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वो 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है। तो पृथ्वी जो पृथ्वी पर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड ये अंटार्कटिका पहले था, लेकिन अब करंट में याद रखना क्या, फरवरी 2024 में से सबसे बड़ा हिमखंड जो है ना उसका नाम अंटार्कटिका से ही टूटकर वो निकला है, लेकिन सबसे बड़ा वो हो गया है, वो उसका नाम है A23A, ठीक है, यानी कि A23A, ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं A23A सबसे बड़ा दुनिया का वर्तमान में हिमखंड जो है ये A23A है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो वर्तमान में अगर पूछे तो A23A हो गया, ये पुराना हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका नहीं, सबसे बड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड हो गया A23A हो गया, ठीक है, और ये अंटार्कटिका ग्रीनलैंड से 10 गुना बड़ा है, ठीक है, तो ये अंटार्कटिका ग्रीनलैंड से कितना, 10 गुना बड़ा है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये बनी है, तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना किससे बना है, तो सियाल सीमा क्रोड यानी कि नीफे से बना है। सियाल का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो क्या है, महत्वपूर्ण क्या है और मजबूत धातु से बना हुआ है ना, तो ये जैसे कि सियाल है ना, सियाल यानी क्या हो गया, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 3 परतों में बांटा गया है, इसको सियाल हो गया, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, सीमा हो गया यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो गया, और नीफे हो गया यानी कि नीफे ऐसे हो गया, नीफे इसको यानी क्रोड बोला है, नीफे यानी कि निकेल और फेरस यानी लोहा, यानी कि निकेल और लोहा ये क्रोड है, ठीक है, तो ये तीनों आंतरिक संरचना इससे बना हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे जो भीतरी परत है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है ना, नीफे, ये सबसे भीतरी परत जो है वो क्रोड कहलाता है, नीफे, ठीक है। अब क्रोड किससे बना है, क्रोड यानी कि नीफे, नीफे यानी कि निकेल और लोहा है, निकेल और फेरस यानी लोहा और निकेल से बना है क्रोड, ठीक। नेक्स्ट आपका कि सियाल बना है, सियाल यानी कि सिलिकॉन है ना, सियाल ऐसे सिलिकॉन और एल्युमिनियम इसको बोल दिया क्या, सियाल, ठीक है, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, सियाल किससे बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। नेक्स्ट आपका सीमा, सीमा यानी कि इसके में से क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, ठीक। और पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है, तो पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, अस्थेनो अस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, अस्थेनो अस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को होता है, ठीक है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना इस दिन मनाने का निर्णय लिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को ही मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो पृथ्वी पर जो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है, और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध की बात हुआ, यानी कि ये वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हुआ, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है, 21 जून को ही, 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक। जैसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ 21 जून को, तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक। और जैसे कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसका ठीक उल्टा कर देंगे कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध कर देंगे क्या हो जाएगा, वो छोटा दिन हो जाएगा, है ना,
22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे कि सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को हुआ, और कब कहाँ होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ठीक उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को। ठीक, उसी प्रकार सबसे लंबा दिन जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, तो सबसे लंबा दिन हुआ 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, बाकी उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून को होता है, तो इसलिए दक्षिण गोलार्ध को 22 दिसंबर को होता है सबसे लंबा दिन, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है ना, उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होगा, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और ठीक दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे लंबा दिन होता है 22 दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन हो गया उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। और सबसे छोटा दिन पूछे तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है पहले मालूम है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो उल्टा हो जाएगा क्या, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो दिन रात बराबर कब कब होता है, तो दो दिन होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। ठीक है, और इसे विषुव दिन कहा जाता है ना, विषुव का दिन कहा जाता है। ठीक है, विषुव का दिन, यानी कि जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, या तो इक्विनॉक्स कहा जाता है ना, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, जब दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रग्रहण कब लगता है। ठीक है, चंद्रग्रहण कब होता है, तो देखिए चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण दो ही ग्रहण होता है। ठीक है, मेन होता है, और इसमें कभी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि दो ग्रहण लगता है, ठीक है, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण। अब चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण में सूर्य हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एक ही साइड रहेगा वो। ठीक है, एक साइड रहेगा, और इसमें जब चंद्रग्रहण है और सूर्यग्रहण में, इसमें दो बार है ना बीच में आएगा कौन कौन, तो एक आएगा, देखिए तीन इसमें एलिमेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, तीन है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, तीन, तो इस क्रिया में तीन भाग लेता है कौन, एक चंद्रमा, एक सूर्य और एक पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ठीक है, ये तीनों का खेल है। ठीक है, अब ये तीनों में कौन बीच में कब कैसे आएगा, ये कभी दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको ऐसे समझिए, देखिए तीन लोग हैं इसमें, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक है, उसमें सूर्य जो है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, बीच में आएगा कौन कौन, चंद्रमा और पृथ्वी आएगा। ठीक है, तो जब चंद्रग्रहण लगेगा ना, तो चंद्रग्रहण बीच में नहीं आएगा, ये बस इतना ध्यान रखना है, जब चंद्रग्रहण लगेगा तो चंद्रमा बीच में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रग्रहण लग ही रहा है, तो चंद्रमा बीच में नहीं लाना है, चंद्रग्रहण में चंद्रमा को बीच में नहीं लाना है, बस एक लाइन एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो चंद्रग्रहण के और बीच में आएगा कौन, दो ही आदमी आएगा, या तो चंद्रमा एक बार आएगा और एक बार पृथ्वी आएगा। ठीक है, तो चंद्रग्रहण लगेगा तो क्या होगा, चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, यानी कि पृथ्वी बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए चंद्रग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, जब चंद्रग्रहण लगेगा तो बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी, और जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो बीच में कौन आएगा, तो चंद्रमा, क्योंकि बीच में दो ही आता है, या तो चंद्रमा या तो पृथ्वी, तो एक बार चंद्रग्रहण में पृथ्वी आ गया। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो कौन बीच में आएगा, चंद्रमा आ जाएगा, क्योंकि चंद्रग्रहण नहीं लग रहा है, तो चंद्रमा भी, चंद्रमा को बीच में ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, चंद्रग्रहण जब लगेगा तो चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक, और सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो चंद्रमा को बीच में ले आएंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है, 59% दिखता है, कितना प्रतिशत नहीं दिखता है, तो 41% नहीं दिखता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और जीवाश्म की आयु पूछे कैसे ज्ञात करते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक से जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। अश्व अक्षांश संबंधित है, तो अश्व अक्षांश क्या है,
ये 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि ऐसे समझिए अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, ये भूमध्य रेखा हो गया यानी कि विषुवतीय रेखा हो गया, ठीक है, और 30 से 40 डिग्री मान के चलिए ये 30 डिग्री अक्षांश है और ये 40 डिग्री ये है, ठीक है। तो ये जो पट्टी है ये क्या कहलाया, अश्व अक्षांश कहलाता है, और किधर है, दोनों दोनों तरफ है, उत्तरी भी है दक्षिणी अक्षांश में भी, यानी कि इधर भी 30 से 40 के बीच जो है ये अश्व अक्षांश कहलाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितना है, ठीक है, दो है आपको याद रखना है, एक 180 है और 360 है, यानी कि अक्षांश की संख्या कितना है, 180 है, और देशांतर कितना है, 360 है, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है और कन्फ्यूजन ना हो कभी, तो देखिए अक्षांश देखिए शब्द में छोटा है तो ये छोटका हो गया 180, ठीक है, और देशांतर ये क्या बड़ा है ना, अक्षांश की अपेक्षा ये बड़ा है, देशांतर तो बड़ा वाला हो जाएगा 360 है, ठीक है, यानी कि अक्षांश की संख्या कितना है 180 और देशांतर 360 है, ठीक। नेक्स्ट है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये क्या कहलाता है, तो गोरे कहा जाता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है ये अगर पूछे तो, दो देशांतर के बीच की दूरी जो होता है 111.32 किलोमीटर होता है, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी ये गोरे कहलाता है, और डिस्टेंस जो होता है 111.32 किलोमीटर होता है, और दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, वो जोन कहा जाता है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 111 होता है किलोमीटर पक्का, ठीक, ये ध्यान रखना है, देशांतर में थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि 100 देशांतर के बीच के जो होता है दूरी होता है 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आप भी साथ में आंसर लगाइएगा और देखिएगा कितना आपका सही हो रहा है, और कमेंट भी कीजिएगा, आपके लिए 2-3 सेकंड टाइम भी देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया आपसे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसकी भूमध्य रेखीय व्यास से कितना छोटा है, अब बताइए चार ऑप्शन है इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, जैसे ये पृथ्वी है इसका ये जो ध्रुवीय व्यास है, ये ध्रुवीय व्यास है ये भूमध्य रेखीय व्यास से कितना कम है, तो आपको बताए थे कि जो भूमध्य रेखीय व्यास है ये कितना है, 12,756 किलोमीटर है ये, ठीक है, ये 12,756 है, और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच कितना कम है, ये 42 किलोमीटर कम है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण डैश पर अधिकतम होता है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना, चार ऑप्शन आपको दिया गया है कि गुरुत्वीय त्वरण डैश पर अधिकतम होता है, कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर या ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच कहीं भी या तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर अधिकतम होता है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक, आपको बताए थे क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इसके अपेक्षा ये वाला कम है, केंद्र से ये कम है तो ये अधिकतम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दूरी केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है, तो इसलिए ये ज़्यादा दूर है तो यहाँ कम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वीय त्वरण, ये कम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और न्यूनतम पूछे तो ये भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है जी का मान डेस में जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, ठीक, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और एक होता है कैपिटल जी, कैपिटल जी मतलब होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक, तो ये ध्यान रखना है, और यहीं पूछा है कि स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान डेस में स्मॉल जी के वास्तविक मान से कम होता है, तो वास्तविक मान से कम हो जाएगा कब, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के जब बाहर हो जाएगा ना तो जो स्मॉल जी का मान है वास्तविक मान से कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा तो स्मॉल जी का मान ये क्या होगा, जो वास्तविक मान है उसका उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो स्मॉल जी बराबर होता है क्या, कैपिटल जी और एम यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है बट्टा आर स्क्वायर है,
ठीक है, तो इसको जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से उससे जब बाहर हो जाएगा तो वास्तविक मान से भी जी का मान कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि कैपिटल जी का मान होता है यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है इसका मान कितना होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 6.673, ठीक है, 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना है इसको, 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है, क्यों माइनस यहाँ दिया हुआ, ठीक है, इसलिए सभी से अलग ही है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, और अगर पूछे ये क्या है, कैपिटल जी का मान हो गया। ठीक है, अगर पूछे कि स्मॉल जी का मान, पृथ्वी की सतह पर जो होता है ऊपरी सतह पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो होता है 9.8 m/s². ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा और पृथ्वी के ध्रुवों पर जी के मान का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो भूमध्य रेखा और पृथ्वी के ध्रुवों पर, अब देखिए वही पूछ रहा है, इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि जैसे कि भूमध्य रेखा यानी कि यहाँ पर, ठीक है, भूमध्य रेखा यहाँ पर जो है और पृथ्वी के ध्रुव पर यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या संबंध है। तो जो स्मॉल जी का मान, तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ये ध्रुवों पर जो है ये अधिक होता है ना, ध्रुव पर अधिक होगा। ठीक, ध्रुव पर ये अधिक होगा भूमध्य रेखा से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 9.8 m/s² हो जाएगा। और कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो होता है 6.734 है ना × 10^-11 N·m²/kg², N·m²/kg² होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर डैश घूर्णन करती है, तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर कैसे घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपनी अक्ष अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। नेक्स्ट है कि ऋतुओं के परिवर्तन का कारण क्या है, तो देखिए दिन रात किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, और ऋतुओं में परिवर्तन हो जाएगा किसके कारण, वो हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, वो अपनी धुरी का झुकाव और पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, और दिन रात का होना था पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री देशांतर घूमती है, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। नेक्स्ट है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, तो भारत की जो है मानक याम्योत्तर रेखा ये कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए भारत की मानक याम्योत्तर रेखा आपको बताए थे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 82.5 यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, तो 82.5 दे तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 82.5 डिग्री मैंने दिया, 82 डिग्री, अगर 82.5 को कैसे लिखेंगे, 82 डिग्री और 30 मिनट हो जाएगा, ये मिनट में दिया है इसे करके। ठीक है, तो 30 मिनट में दिया है, तो पॉइंट में दशमलव में नहीं दिया, दशमलव में देता तो 5 वाला होता। ठीक है, 82.5, लेकिन दशमलव में नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, कन्फ्यूजन आपसे होता है और गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा उस समय कि आंसर क्या करें, 82.5 डिग्री है, तो यहाँ देखना ये चीज़। ठीक है, तो 82.5 है डिग्री, तो वो 5 वाला मारना है, अगर दशमलव नहीं है तो 30 वाला मारना है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये ध्यान रखना है, और भारत का मानक समय जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन सा राज्य है वो, तो बताए थे आपको क्या, यूपी एमपी सीजी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, और कहाँ से गुजरती है, जो मेन होता है वो गुजरती है अपना इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और
भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है कि लंबवत से पृथ्वी की दूरी का झुकाव कोण क्या है, तो लंबवत से पृथ्वी की दूरी का झुकाव कोण क्या है, वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, और कर्क रेखा ही जो कि भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आपका है कि भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए भू परपर्टी में जो 4 महत्वपूर्ण तत्व आपको याद रखना है, चारों से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ऑक्सीजन है, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है लोहा, ठीक है। यहाँ से देखिए 3-4 प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछ लिया गया कि भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो गया, तो वो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अगर पूछे कि भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है, तो वो है सिलिकॉन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी के भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो धातु में आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। क्योंकि जो पहला दोनों है ये धातु नहीं है, ये ऑक्सीजन गैस हो गया, सिलिकॉन क्या उपधातु हो गया, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पृथ्वी के भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है, तो वो है लोहा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसे याद कैसे रख लीजिएगा, देखिए आसी एलो यानी कि आसी यानी कि ऑक्सीजन सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम लोहा, ठीक है। तो पृथ्वी के भू परपर्टी में आपको एक शब्द याद रख लेना है आसी एलो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और क्रम से याद भी रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, आसी यानी कि ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एलो यानी फिर एल्युमिनियम, और फिर लोहा हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आसी एलो यानी कि ऑक्सीजन सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा, ठीक। नेक्स्ट है, और आपको बताए थे पीछे भी जैसे कि पृथ्वी के भू परपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और ब्रह्मांड सूर्य और तारा में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो सबसे पहले कहा था किसने, तो वो कहा था अरस्तु ने, सबसे पहले अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। अब अरस्तु से बात करते हैं, अरस्तु से भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। अरस्तु जैसे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीति विज्ञान, ये तीनों का पितामह या जनक या पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। और एक कथन है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है, ये किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। मनुष्य एक राजनीतिक पशु है, ये किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था, ठीक है। और सिकंदर का गुरु कौन था, तो ये अरस्तु ही था, ठीक है। सिकंदर का गुरु था अरस्तु, अरस्तु का गुरु था प्लेटो, और प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात था, ठीक है। तो याद रखना है सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, और प्लेटो का गुरु था सुकरात। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है, तो स्वच्छ जल कितना है, 3%, है ना। स्वच्छ जल बताए थे आपको कितना है, 3% है, ठीक। स्वच्छ जल है 3%, पृथ्वी के कुल भाग का कितना प्रतिशत जल है, तो 71% जल है। और इस जल में भी 71% जो जल है, पूरे जल का कितना प्रतिशत महासागर में है, तो 97.5% जो है ये महासागर में पूरा पानी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का अनुमानित औसत घनत्व ये कितना है, तो पृथ्वी का अनुमानित औसत घनत्व, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी की अनुमानित औसत घनत्व है, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो उपसौर यानी कि देखिए उप आप वाला क्या बताए थे, आप वाला यानी कि ज़्यादा वाला, बड़ा वाला है ना, वो था 4 जुलाई, दो ही डेट आता है, एक 4 जुलाई, एक 3 जनवरी, ठीक है। दो डेट आता है जो कि पृथ्वी का उपसौर और ऑफसौर है, ठीक है। तो जो अपसौर है वो ज़्यादा वाला है यानी कि जुलाई वाला है, ज़्यादा वाला यानी कि जुलाई वाला, वो 4 जुलाई को है,
यहाँ उपसौर बोला, उपसौर यानी कि न्यूनतम वाला, कम वाला, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है वो उपसौर कहलाता है। और उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ दिया थोड़ा घुमा के, वो कौन सा महीना है? तो जनवरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अपसौर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जुलाई हो जाएगा, है ना, 4 जुलाई को, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। और उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एफ साइड रेखा कहलाता है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है, एफ साइड रेखा वो कहलाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि भारतीय मानक देशांतर रेखा जो 5 राज्य से गुजरती है, जो आपको बताए थे कि कौन कौन सा, तो यूपी, MP, CG, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ से कि इनमें से कौन सा वो राज्य है जो 5ों में से नहीं है। तो आपको याद करवाएं, उसमें देख लीजिए कौन नहीं है, यूपी, MP और CG, ठीक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन नहीं है? बिहार नहीं है, ठीक है। देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है और यूपी, MP, CG है ना। तो ये बिहार से जो भारत का मानक समय है ये नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान इसमें से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रमा का द्रव्यमान है ऑप्शन नंबर ए, 7.347×10²² किलोग्राम है, ठीक है। अब देखिए इसको याद थोड़ा ऐसे रिलेट कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा का द्रव्यमान पूछ लिया, तो इसमें क्या देखिए, 7 और 7 देखिए, है ना, फर्स्ट में और लास्ट में दोनों दोनों 7 रहेगा, और ये 3 और 4 जोड़िएगा कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। यानी 7, 7, 7 का खेल है, ठीक है। अब देखिए 7 और 7 ये लास्ट में आएगा दोनों में, चंद्रमा का द्रव्यमान में, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 6 वाला, ठीक, ऐसे याद रखिएगा, तुरंत आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान में क्या है, 7 और 7 दोनों साइड में आएगा, है ना, लेफ्ट और राइट दोनों, है ना, लास्ट और फर्स्ट में दोनों में 7 और 7 आएगा, और अंदर वाला जोड़िएगा तो वो भी 7 आएगा, 3 और 4 7 कितना हो गया, 3 × 7 हो गया, यानी 7 × 21 21 और 1 ज़्यादा बढ़ के मारिएगा 22, है ना, 21 और यानी कि 10²² किलोग्राम, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना है तो काफ़ी हिंट मिलेगा एग्जाम में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.34 यानी कि 7 × 10²² किलोग्राम हो गया, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। नेक्स्ट है कि डेस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? मेंटल या क्रस्ट, या तो बाहरी कोर या तो आंतरिक कोर। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो जिम्मेदार है वो है बाहरी कोर है, ठीक, बाहरी कोर। आप इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है क्रस्ट, एक है मेंटल और एक है कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर है। अब कोर को भी आगे मालूम 2 भागों में बांट दिया गया है, एक बाहरी कोर और एक आंतरिक कोर। कोर को जो है, ये जो कोर होता है वो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है। पृथ्वी का, जैसे कि अगर ये देखा जाए, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो है ये कोर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। ये जो है कोर जो है सबसे भीतरी परत है। अब कोर को 2 भागों में बांटा गया है, 2 परतों में विभाजित कर दिया गया, जिसे बाहरी कोर और आंतरिक कोर कहा गया, ठीक है। अब पृथ्वी का बाहरी कोर जो है ये तरल अवस्था में होती है, ठीक है, बाहरी कोर जो होती है वो तरल अवस्था में होती है, और आंतरिक कोर जो है ये वाला जो है वो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाहरी कोर जो है, जो कोर का जो है उसका जो बाहरी कोर है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, ठीक है। धातु पूछ लिया, तो एक ही शब्द आपको बोले थे याद रखने के लिए, कुछ भी पूछेगा बता देंगे, कौन सा था, RCl, ठीक। तो सबसे ज़्यादा क्या, ऑक्सीजन, ये धातु नहीं है, पूछा क्या, धातु, सिलिकॉन, ये क्या उप धातु है। तो सबसे ज़्यादा धातु, धातु में क्या जाएगा, एल्युमिनियम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा पाया जाना दूसरा धातु कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगर सिंपल पूछ लेता कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो वो हो जाता ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है, तो दूसरी कौन सा हो जाएगा, RCl, यानी कि एल्युमिनियम और लोहा। दूसरा क्या हो जाएगा, लोहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की बाहरी परत कहलाती है, तो पृथ्वी की बाहरी परत ये क्या कहलाता है, चार ऑप्शन दिया हुआ आपका, तो पृथ्वी का बाहरी परत जो है ना वो कहलाता है आपका स्थल मंडल कहलाता है ना। देखिए जल मंडल तो कहलाएगा नहीं पृथ्वी का बाहरी परत, फिर आपको स्थल मंडल है, समताप मंडल है, वायुमंडल है, ठीक है, तो स्थल मंडल कहलाता है बाहरी, पृथ्वी का जो है बाहरी परत वो स्थल मंडल कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन आपको मालूम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते कब, 21 जून को, वही वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को, ठीक। और 21 जून को जैसे ही सबसे लंबा दिन होता है कब कहाँ होता है, वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, तो ठीक दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 जून को सबसे छोटा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक, इसका उल्टा हो जाता है। और इसी तरह 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन हो गया। फिर आगे वाला देखते हैं प्रश्न कि सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो देखिए सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है ये मालूम है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछ दिया, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होगा, 22 दिसंबर को होगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है, ठीक, उसका उल्टा, अगर उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी कब बराबर दिन और रात अनुभव करती है, यानी कि दिन और रात बराबर कब होता है, तो दिन और रात बराबर कब होता है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है विषुव के दिन, यानी कि इक्विनॉक्स, यानी कि जब दिन और रात बराबर होता है वो कहलाता है क्या, विषुव का दिन कहलाता है। और ये कब होता है, तो ये होता है आपका इक्विनॉक्स कहलाता है, और ये होता है कब, तो ये आपको बता दें कब होता है, वो एक डेट था ना 23 सितंबर और 21, एक बार पीछे जाकर देख लेते हैं ना, जो दिन और रात बराबर कब होता था, दिन और रात बराबर कब होता है ना, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, रिवीजन कभी भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत उसको सर्च करके देखिए, है ना, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर का होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को, है ना, इसी को ही विषुव कहा गया है और इसी को ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। वही पूछा कि दिन और रात बराबर का होता है, तो वो कहलाता है वो विषुव का दिन होता है, ठीक है, विषुव का दिन होता है, और ये कब होता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो दिन आता है पूरे साल में जब दिन और रात बराबर होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक, याद रखना दोनों डेट, 23 सितंबर और 21 मार्च याद रखना, ठीक। चलिए चलते हैं जहाँ पर थे हम लोग, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर है ना, ये वाला था ना, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और कब रात अनुभव करते हैं, दिन और रात अनुभव बराबर करते हैं, तो ये विषुव का दिन यानी इक्विनॉक्स कहलाता है वो, ठीक। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण बताए थे, देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है, तो दोनों में क्या है, ये बीच में कौन आएगा, एक बार आता है पृथ्वी और एक बार आता है चंद्रमा, ठीक है, जब चंद्र ग्रहण बोले तो चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, ठीक है, चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, तो अब चलिए चलते हैं, देखिए ऑप्शन देखते हैं, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण ने पृथ्वी को बीच में ला दिया, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य ग्रहण बोलता है तो क्या हो जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा को ले आते हैं, ठीक, तो वो होता है सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। अच्छा चंद्र ग्रहण लगता कब है, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को, ठीक है, और सूर्य ग्रहण लगता है कब, अमावस्या को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखाई नहीं देता है, तो देखिए दिखाई देता कितना है, तो 59% दिखाई देता है, ठीक है, तो नहीं दिखाई देगा कितना, 41% जो है पृथ्वी से चंद्रमा का हिस्सा 41% वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का अनुमान जो है, पृथ्वी की आयु का अनुमान ये यूरेनियम काल निर्धारण यानी यूरेनियम डेटिंग द्वारा पता लगाया जाता है, ठीक है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा इसे पता लगाया जाता है, और कार्बन डेटिंग से हम लोग क्या पता लगाते हैं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का तकनीक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है, ठीक है, तो अश्व अक्षांश कहा जाता है किसको,
तो आपको पीछे बताए थे अक्ष अक्षांश जो कहलाता है वो 30 से 40 डिग्री उत्तरी और 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए 30 से 40 की बात आई है तो इसका आंसर कौन हो सकता है, तो उसके आसपास जो होगा वही इसका आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 25 से 35 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिण में ये अश्व अक्षांश रहता है। ठीक, नेक्स्ट है, एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक, तो अक्षांश और देशांतर ये दो होता है, तो अक्षांश में कितना बताए थे, अक्षांश में 180 और देशांतर में 360, ठीक दुगना है, 18 दुनी 36, तो देशांतर बड़ा है ना शब्द में, तो देशांतर वाला हो गया, और अक्षांश शब्द में छोटा है तो ये अक्षांश वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें 180 जो आता है वो भूमध्य रेखा जो है ये वाला अक्षांश मिलाकर 180 हो जाता है, और केवल अक्षांश भूमध्य रेखा को छोड़कर क्या होगा वो 179 होगा, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी लगभग है, तो दो अक्षांश के बीच की दूरी पूछा है, तो दो अक्षांश के बीच की दूरी जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है। ठीक, 111 किलोमीटर होता है अक्षांश के बीच, और दो देशांतर के बीच पूछे तो 111.32 किलोमीटर होता है। ठीक, तो ये भी याद रखना है, और दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, अक्षांश के बीच की दूरी जोन कहलाता है, और देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गोरे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक शानदार ट्रेंडिंग टॉपिक होता है समाप्त, और वीडियो एक बार है और देख लीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों।